नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे अगर हम बात करें क्रिकेट एक्सपर्ट अगर हम बात करें आकाश चोपड़ा की, तो उन्होंने एक जो है चौंकाने वाला प्लेइंग 11 बनाया है पंजाब किंग्स के लिए। और अगर बात करें तो उसमें दिग्गज खिलाड़ियों को जो है पंजाब किंग्स के इस प्लेइंग 11 में रखा नहीं गया है। और उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब किंग्स इस प्लेइंग 11 से जाना चाहेगी तो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकती है और पूरी आज़ादी के साथ जो है इस प्लेइंग 11 से अपने आप को परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आएगी पंजाब किंग्स की टीम। तो अब दोस्तों, कौन कौन से हैं ये खिलाड़ी जिसको पिक किया है आकाश चोपड़ा ने पंजाब किंग्स के लिए प्लेइंग 11 में, हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़े फ़ैन हैं आप पंजाब किंग्स के KL राहुल के, सपोर्ट करते हैं इस टीम को, जिताना चाहते हैं IPL 2021 का खिताब, तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपकी सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई और IPL 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके ID का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से बनाते रहिए, ताकि जो टारगेट है इस वीडियो का वो जल्द से जल्द कम्प्लीट हो जाए। और हाँ दोस्तों, आप भी जो है कमेंट करके बताते रहिए अपनी तरफ से इस प्लेइंग 11 के बारे में, क्या ये प्लेइंग 11 सही है कि नहीं सही है, और कौन कौन से खिलाड़ी जो है इस प्लेइंग 11 में हो सकते थे जो कि आकाश चोपड़ा ने नहीं लिए हैं। तो अब दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में, ये क्या है पूरी रिपोर्ट। तो अब दोस्तों, अगर बात करें क्रिकेट एनालिसिस और अगर बात करें क्रिकेट के एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा की, तो उन्होंने जो है यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया, जिसके जरिए उन्होंने बताया है कि पंजाब किंग्स की जो टीम है वो इस सीज़न जो है कैसे अपने प्लेइंग 11 को लेकर के उतर सकती है आने वाले मैचों में। और उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब किंग्स का जो सपना है IPL 21 का खिताब जीतने का, वो पूरा हो सकता है इस सीज़न, लेकिन उनको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने प्लेइंग 11 जो बताया है वो कुछ इस प्रकार उन्होंने बताया है। तो अब दोस्तों, अगर बात करें स्टार्टिंग में, तो उन्होंने कहा है कि KL राहुल और क्रिस गेल जो है वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे इस प्लेइंग 11 में। उन्होंने जो है कहा है कि अगर मयंक अग्रवाल की बात करें तो 3 नंबर पर जो है खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम बात करें पिछले सीज़न की, तो मयंक अग्रवाल ने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था ओपनिंग में, लेकिन अगर बात करें उनको चोट लगने के कारण क्रिस गेल ने जो है उनकी कमान संभाली थी और ओपनिंग में KL राहुल के साथ काफ़ी अच्छा जो है उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। अब उन्होंने कहा है कि मयंक अग्रवाल जो है 3 नंबर पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, वहीं 4 नंबर के लिए उन्होंने कहा है कि निकोलस पुरन सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेंगे पंजाब किंग्स के लिए। 5 नंबर के लिए अगर दोस्तों हम बात करें तो उन्होंने बताया है दीपक हुड्डा को, वहीं अगर बात करें तो उन्होंने 6 नंबर पर रखा है मॉइसेस एनरिकेस को। तो उन्होंने कहा है कि ये अगर हम बात करें ऐसे बैटिंग ऑप्शन रहेगी जिसको लेकर के पंजाब किंग्स की टीम काफ़ी अच्छी फ्रीडम से जो है बैटिंग करते हुए नज़र आ सकती है, और अगर हम बात करें तो इस पोजिशन में हमें फ्लेक्सीबिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों बात करें तो उन्होंने स्टार बल्लेबाज डेविड मरन को इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है। ये एक चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें डेविड मरन की तो T20 के नंबर 1 बैट्समैन है और ऐसे में पंजाब की टीम उन्हें खरीदा, लेकिन फिर भी उन्हें इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। अब दोस्तों अगर बात करें 7 नंबर को लेकर के, तो उन्होंने कहा है शाहरुख खान, मनदीप सिंह और सरफराज खान किसी भी 3 बल्लेबाज में से आप किसी एक को खिला सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तीनों ही एक ही शैली के बल्लेबाज हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान काफ़ी अच्छा जो है बल्लेबाजी कर सकते हैं मनदीप सिंह और सरफराज खान के जगह पर। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब की टीम जो है किसे ऐड करना चाहेगी 7वें नंबर पे। तो दोस्तों, ये तो हो गए 7 प्लेयर जो कि अगर हम बात करें क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने चुना है अपने प्लेइंग 11 में पंजाब किंग्स के लिए। और उन्होंने कहा है कि यहाँ से पंजाब की टीम को बहुत ही सारा जो है ऑप्शन मिलने वाला है, अगर बात करें बल्लेबाजी क्रम को लेकर के, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के, और ऐसे ये बल्लेबाज ऐसे इन्हें किसी भी पोजिशन पर आप खिलाएंगे तो आपको रन बनाकर ही देने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हम बात करें 4 गेंदबाजी ऑप्शन के बारे में, तो हमें देखने को मिल सकते हैं रवि बिश्नोई और मुरुगन अश्विन, जो कि स्पिन डिपार्टमेंट को संभालने वाले हैं। वहीं अगर बात करें फास्ट गेंदबाजी में, तो हमें देखने को मिलेंगे मोहम्मद शमी और जायर रिचर्डसन। तो अब दोस्तों, अगर बात करें इस प्लेइंग 11 में, तो स्टार गेंदबाज जिनका नाम है रायले मेरेडिथ, जिनको पंजाब की टीम ने खरीदा है 8 करोड़ रुपए में, उनको इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई है। और जो पंजाब किंग्स की जो टीम थी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो की थी उनकी गेंदबाजी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी आकाश चोपड़ा ने इस प्लेइंग 11 में
रायली मेरेडिथ को नहीं लिया है। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में कि कौन कौन सा खिलाड़ी हो सकता है जो प्लेइंग 11 में फिट बैठ सकता है, और रायली मेरेडिथ को क्या पंजाब की टीम जरूर खिलाए इस प्लेइंग 11 में या नहीं, या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि जो चार ओवरसीज खिलाड़ी अगर बात करें आकाश चोपड़ा ने इस प्लेइंग 11 में लिए हैं, जैसे कि क्रिस गेल, निकोलस पुरन, मॉजेस एनरिकेस और जाय रिचर्डसन, इनका बैलेंस कैसा आपको देखने को मिल रहा है इस प्लेइंग 11 में, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनकी जगह पे कौन ऐसा चार विदेशी ऑप्शन हो सकता है पंजाब किंग्स के लिए जो कि पहले ही मैच से हमें उनके टीम में प्लेइंग 11 में नज़र आएगा। तो दोस्तों आप भी जो है कमेंट करके बताते रहिए अपने प्लेइंग 11 के बारे में। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप चाहें तो स्पिन डिपार्टमेंट में आप किसी एक स्पिनर को खिला सकते हैं, और उसके बदले आप अगर बात करें तो अर्शदीप सिंह को मौका दे सकते हैं जो कि एक फास्ट गेंदबाजी के रूप में आपको विकल्प देने वाले हैं पंजाब किंग्स के लिए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस पूरे प्लेइंग 11 के बारे में, क्या ये प्लेइंग 11 जो पिक किया है आकाश चोपड़ा ने वो सही है या नहीं सही है, या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।